कार्यक्रम लगा था, प्रधान के घर पे कार्यक्रम था। घर पे पहुंचे, मैं तो अंदर चला गया, बस कुछ युवा आए, मास्क लगे हुए थे, ज्यादातर ने चेहरे ढके हुए थे, तो इसलिए कुछ के चेहरे खुले थे, ज्यादातर के चेहरे ढके हुए थे। गाड़ियों में तोड़ फोड़ शुरू की, वहां तक भी होता तो भी देख सकते थे। उसके बाद जो भारी पथराव छतों से हुआ है, और पथराव भी इंटरलॉक टाइल्स का हुआ है, पूरी गली में अंधेरा किया गया, तो सब कुछ सुनिश्चित था। भगवान का शुक्र है कि जिसे सर पर ईंट नहीं लगी, इतनी भारी ईंट होती है, अगर वो सर पर लगती तो निश्चित रूप से जान जाती। कार्यक्रम तो चलते रहते हैं, पहले से वहाँ कार्यक्रम लगा हुआ था मड़गांव में, बड़ा प्यारा गांव है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का समर्थक गांव रहा है, मेरा भी बड़ा स्नेह है उस गांव से। कार्यक्रम लगा था, प्रधान के घर पर कार्यक्रम था। घर पर पहुंचे, मैं तो अंदर चला गया, बस कुछ युवा आए, मास्क लगे हुए थे, ज्यादातर ने चेहरे ढके हुए थे, तो इसलिए कुछ के चेहरे खुले थे, ज्यादातर के चेहरे ढके हुए थे। गाड़ियों में तोड़ फोड़ शुरू की, वहां तक भी होता तो भी देख सकते थे। उसके बाद जो भारी पथराव छतों से हुआ है, और पथराव भी इंटरलॉक टाइल्स का हुआ है, तो ये तो है ही कि पहले से टाइल्स चढ़ाई गई, पूरी गली में अंधेरा किया गया, तो सब कुछ सुनिश्चित था ऐसा लगता है। ये तो जनता तय करेगी, इस तरह की घटनाएं कभी राजनीतिक क्षेत्र में देखी नहीं गई, ये इस तरह की प्लानिंग करके इस तरह से हमले हो, जान जा सकती थी। बहुत बच्चों के चोट लगी है, 15-20 गाड़ियां टूट गई हैं, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, और भगवान का शुक्र है कि जिसे सर पर ईंट नहीं लगी, इतनी भारी ईंट होती है, अगर वो सर पर लगती तो निश्चित रूप से जान जाती, तो शुक्र यह है कि किसी की जान नहीं गई। ठीक है, देखिए युवा हैं, इनके पीछे षडयंत्रकर्ता कोई और है जो पर्दे के पीछे, ये जरूर मैंने प्रशासन से कहा है कि षडयंत्रकर्ता का पता निकाल के लाए। मैंने अपनी तरफ से कोई तहरीर, कोई वो मैं नहीं चाहता युवाओं पर कोई कार्रवाई हो, उन्हें भड़काया गया, बहकाया गया है किसी न किसी नाम पर, तो मैं चाहता हूँ खुद युवा साथी इस बात को समझे कि जो इस तरह की बात करता है वही उनका दुश्मन है। तो मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लोगों को बनाया हुआ सांसद हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई कार्रवाई किसी युवा पर नहीं चाहता। आगे तो इस तरह घटना के लिए प्रशासन से कोई बात की गई नहीं? प्रशासन से मैं क्या बात करूँ, मैं तो ये चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से मैंने बता दी सारी घटना की जानकारी, षडयंत्रकर्ता सामने आ जाए, जनता के सामने आ जाए, जनता के सामने उसका मुकाला हो जाए कि वो व्यक्ति जो भी है षडयंत्रकर्ता, वो अपराधिक प्रवृत्ति का होगा, उसके अपराध की सोच होगी ऐसा लगता है। तो ये राजनीतिक मामला है, चुनाव के जस्ट पहले अगर किसी की मौत हो जाती तो शायद ये हिंसा भड़काने की साजिश भी हो सकती है, तो साजिशकर्ता को मैं चाहता हूँ जरूर जनता के सामने आए।